मैम बस बढ़िया। आप बताइए कैसे बाहर हो? टर्न हो जाएगी। एक मिनट मैम, फोटो ले लो मैम, यहाँ पर देखते हैं मैम। अभी इधर देखो, ये मैम यहाँ सभा जी, सभा जी मुझे शमिता अच्छी लगती है, शमिता एंड करण मुझे दोनों बहुत पसंद है, लेकिन अगर एक नाम लिया जाए तो मुझे शमिता बहुत पसंद है। और कल रात को राकेश सावंत का भी इलेक्शन हो गया। अच्छा, आई थिंक इस सीजन में राकेश सावंत, यू नो, मैं मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी रेपिटेटिव है, यू नो, तो आई डोंट नो जो हुआ अच्छा अच्छे के लिए, और मैंने शो में आई एंटरटेन किया वापस से जनता को। और करण और तेजस्वी की जोड़ी कैसी लग रही है आपको? नहीं, बहुत प्यारी है उनकी जोड़ी, बहुत प्यारी है। तेजा थोड़ी सी पजेसिव है, मैंने भी प्रोमो देखा है, आज देखूंगी मैं कि क्या उन्होंने शमिता की बैट पे जाइए, लेकिन आई थिंक उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। मैम उमर जी का भी इलेक्शन हुआ था जो अनफेयर था, हाँ, आप उसको कैसे देखते हैं? आई थिंक उमर ने अच्छा किया शो के अंदर। देखो विनर तो एक ही बनता है, और जो कि अभी पता चल जाएगा कुछ टाइम में, और उमर के लिए अच्छा हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया शो में और काफ़ी उनकी तारीफ हुई है। और मैम अभी वो बिग बॉस का फिनाले आ रहा है, उसमें सैना गिल भी जा रही है, तो सिद्धार्थ शुक्ला जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, उनके बारे में कुछ बता दें। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज सिद्धार्थ जो अब तक का सीज़न रहा है, अब तक का 13 सीज़न मेरा भी फेवरेट रहा है, एंड सिद्धार्थ मेरी भी बहुत फेवरेट रहे हैं, तो शहनाज का वापस से आना बिग बॉस के अंदर और सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट देना बहुत अच्छा लगेगा, सारी जनता को अच्छा लगेगा। सलमान सर के बारे में कुछ बता दीजिए। सलमान सिंह के हॉस्टल कैसी है? सर, ओह माय गॉड, आई लव हिम, मैं प्यार करती हूँ उनसे। उनकी होस्टिंग तो बेस्ट है, मतलब उन जैसा होस्ट कोई हो नहीं सकता है। बिग बॉस उनके अलावा मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि कोई और होस्ट करे। और अभी बिग बॉस फिनाले में आपको परफॉर्मेंस होगा जो? नहीं, आई थिंक बिग बॉस में जो कंटेस्टेंट होते हैं उस सीजन के वही परफॉर्म करते हैं, तो यही है। आने वाले प्रोजेक्ट आपके कुछ क्या देखेंगे? कमिंग भी मंथ में मेरा शूट स्टार्ट हो जाएगा, वेब का है और सॉन्ग का है, तो आपको बहुत अच्छे 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 इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में मैं दिखूंगी। मैंने आज एकदम पूरा इंडियन पहनी हूँ, मैं बहुत इंडियन फील हो रहा है यार, हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीबडी, बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा एकदम माहौल मुंबई का इतना खूबसूरत हो रखा है, सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं घर पे बाहर में, तो हम भी अपने घर पे सेलिब्रेट कर रहे थे। अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, कुछ काम था मुझे लोखंडवाला में। और आपके फैंस के लिए कुछ बोलूँगी? फैंस के लिए मैं ये बोलूँगी, आप सभी को विशिंग यू वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, ऐसे ही प्यार करते रहो यार, सपोर्ट करते रहो, और मेरा फेवरेट शमिता या करण में से किसी को जिताओ शो। थैंक यू मैम। यार बोलना देख लीजिए लेके मैम यार। थैंक यू मिलते रहिए।